आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित ଭାରତର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ତିଲକ केशव तुम्हें कह प्राणीर समस्त कर्म यही करवा उचित जमी से भगवान पूजा करवा जनकल्याण निमित्त कौन यज्ञ करमी द्रव्यज्ञ ज्ञानज्ञ इत्यादि तेब हे माधव मोर मार्गदर्शन निम्ते मत एक कह मो निमित्त कौ यज्ञ उचित हम रणयज्ञ रणयज्ञ हाँ पार्थ तमें जने क्षत्रिय धर्मर रक्षा निमन्ते ही अस्त्र धारण करी तमें रणभूमि दंडायमान तेणु ए मुहूर्त तमें सर्वप्रथमे रणयज्ञ करिबा उचित अर्थात युद्ध करिबा उचित ये कृष्णर मुरलीर स्वर युद्ध निकट आसी शेष होउछि देखुचना संजय निज वंशीरु कृष्ण नुआ सम्मोहन सृष्टि करुचि किए मानिबो भला युद्ध को रणयज्ञ कहुचि हे पार्थ कर्मयोगीर जीवन भी एक यज्ञ ही हेथाय सेथिपई तमे भी आसक्तिरु मुक्त हे स्वधर्म पालन कर युद्ध कर हे पार्थ जदि तमे धर्म निमते युद्ध रूपक यज्ञ कर तेबे अन्य माने भी तुमठारु धर्मर प्रेरणा लभिबे कारण श्रेष्ठ पुरुष जहाँ सब आचरण करिथंती अन्य लोक माने ताहि आचरण करिथंती समस्ते तंको अनुसरण करिथंती कारण एमिति करिबा सृष्टिर नियम होइथाय हे अर्जुन मते देख जदि मु भी तटस्थ हे निष्क्रिय होइजिबि न्यायर समर्थन न करिबि अन्यायर प्रतिरोध न करिबि तेबे लोके मोते अनुसरण करि निष्क्रिय होइजिबे कर्म को त्याग करिदेबे आउ ए लोकर समस्त विधान नष्ट भ्रष्ट होइजिबो संसार ध्वंस होइजिबो सेथिपई श्रेष्ठ पुरुष माने अन्यंको अधर्मरु रक्षा करिबा पई एवं धर्मर मार्गरे सेमानकु परिचालित करिबा पई
आदर्श कर्मर दृष्टांत सृष्टि करि थांती। मु भी सेई उद्देश्य रे कर्म करि थाए। एथि पई मु करेनी जे मते कर्म कले किछ मिलि जिवो बा मते असत्य को साधिबा को पड़िबो। सब तो मोर कर्तृत्व अधीन। जत जत आचरति श्रेष्ठस्व तत् देवे तरो जनाहा सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्ताद अनुवर्तते। न मे पार्थोस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्त वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। श्रेष्ठ पुरुष जे पथरे करे गमन चालंती सभी देखी तार पाद चिन्ह। आचार व्यवहार पुणी तार उपदेश आचरण को ताहार करंती सर्वे प्रणाम। मो पाई के कर्तव्य न थाए जे महीरे तथापि कर्म को मुहि करी म विधान। एमिति न कले धर्म हानि हेब जान मोर आदर्श मानई मते सारा तीनी भुवन। हे पार्थ, अहंकारी मनुष्य भावि थाए जे से निजे कर्म करुचि, किंतु वास्तव रे ए समस्त कर्मर कर्ता ही ईश्वर। ईश्वर प्राणी द्वारा कर्म कराई कथा मानि तुम्हें निजर समस्त कर्म मत अर्पण कर दि। कर्म फल आशा त्याग कर दे युद्ध कर। अर्जुन तुम्हें मोर मित्र सखा, तथापि मोह मायार वशवर्ती केमिति हेगल। स्मरण रखिबा पार्थ जे अधर्म को समर्थन करुथिबा लोकर विनाश अधर्मीक भली हेथाय। आउ जे तुम भली धर्मर मार्गर विच्युत हो जाए आउ धर्म मार्ग अनुसरणकारी को साहाज्य न करे से अजाणतरे अधर्मर ही सहायता करिथाय, अधर्मी को समर्थन करिथाय। सेथिपाई तुम्हें अस्त्र त्याग करी धर्मराज युधिष्ठिरंकर नुह अधर्मी दुर्योधनर समर्थन करुच। हे अर्जुन, तुम्हें जड़े महात्मा, महात्मा जी अन्यंक निमन्ते बंचन्ति आउ अन्यंक निमन्ते मरिथान्ति सेमाने निजर जीवन एवं निजर मृत्यु उभय को लोककल्याण निमित्त उत्सर्ग कर दियन्ति। सेथिपाई तुम्हें भी लोक कल्याण निमित्त जीवन मृत्युर ए स्तर ऊर्ध को उठी भाविबा एवं निष्काम कर्म करिबा उचित। हे अर्जुन, जीवन दान देवा एवं प्राण हरण करिबा व्यक्ति मु, जन्म भी मु। हे अर्जुन, जो अज्ञान मोर निंदा करी थाए, मोर अनुसृत कर्म जोग को मानि न थाए, से ध्वंस हो जाए। कहीं जी अहंकारी हो थाए से निज अहंग्रे ही मत रुहे। सेथिपाई निजे निजको समर्पण करि पारेनी। समर्पण अर्थ हैला निजे निजर सत्ता को निजर संपूर्ण अहंकार को प्रभु चरण रे समर्पण करि दबा। एभली भावे जे निजको पूर्ण समर्पण करि थाए से हुए तो संसारर सबुठ बड़ दुराचारी भी होता ना कहीं मु तत्काल निजर शरणापन्न करी निष्पाप करी दिए।
संजय कृष्णर उपदेश अनुसार तो मु पूर्वरु कर्मजोग को आपणे नेछि से कहुचि क्षत्रियर धर्म युद्ध करिबा आउ सेथि पई मु निजर धर्म पालन करिबा निमन्ते युद्ध करिबार आज्ञा प्रदान करिछि पुणी तात वेदव्यास मते निज कर्तव्य करिबारु अर्थात युद्ध करिबारु काहे कि विरत करथुले युद्धर भीषण संहार दायित्व मो ऊपर कहीं रखुले क्षमा करंतु महाराज जदि मु यार उत्तर दे दिए तेबे आपण को मन को मो उत्तर संतुष्ट करि परिबनि संजय मु तुमको अभय दउछि तुमे स्पष्ट भावरे कहो जे ए संबंध रे तुम मन कोन कहुछि महाराज जहाँ को आपण कर्मजोग बोली कहुचंती ताहा वास्तव में निष्काम कर्मजोग नथिला कारण एही कर्मजोग सहित आपणकर आसक्ति मिसि रहितला आपण ए कर्मर फल निज इच्छा अनुसार चाहुचंती आपण हस्तिनापुरर राजसिंहासन चाहंती जदि ताहा कर्मजोग नथिला तबे कौन थिला डर नहीं संजय कह ताहा एक राजनैतिक कुटिलता थिला हे पार्थ जेमिति सूर्योदय हेबा मात्र के रात्रिर अंधकार को दूरे दिए सेमिति ज्ञानर प्रकाश अज्ञानर अंधकार को दूर कर दे थाए आ मनुष्य परमात्मा को आड़ को प्रशस्त होता मार्ग रु केच्युत हुए विचलित हुए ज्ञान सहित मिलन होता हेतु मनुष्य जानिपे जे गोटे कर्म केमी पुण्य हो पारे आई कर्म पाप भी हो पारे तमे कह जे गोटे कर्म पुण्य भी हो पारे पाप भी ताकि मो बुझे कहि पार्थ उदाहरण स्वरूप गोटे कर्म को निय जड़े मनुष्य आउ जड़े मनुष्य को हत्या करदेला तेल मुख्य कर्म कौन है हत्या करवा किंतु यह कर्म पुण्य भी हो पारे पाप भी से पुणी केमी जड़े मनुष्य जड़े दुर्बल आउ बुढ़ा व्यक्तिर धन लुट करने निम्ते से बुढ़ा को हत्या करदेला कौन है निश्चित रूपे पाप आउ जदि जड़े दुष्ट मनुष्य कौन सी अबला नारी को बलपूर्वक बलात्कार करने को चेष्टा करू थाए आउ से अबलार रक्षा निमंते से बलात्कार करुवा व्यक्ति को हत्या करागला तेबे ता कौन हो एक तो स्पष्ट जे कौन सी निसहाय अबलार रक्षा करिबा पुण्य काम तमे तो निजे तम प्रश्नर उत्तर दे देला पार्थ कर्म तो से एका कहा को हत्या करिबा किंतु से कर्म पछरे उद्देश्य कौन थिला मारिबा लोकर भावना कौन यारी विचार उपरे गोटे कर्म पाप हो पारे अथवा पुण्य हे अर्जुन जो भावना जो उद्देश्य मनुष्य कर्म करिथाय से उद्देश्य निमन्ते गोटे कर्म कहापाई हुए तो पाप हो पारे तो कहापाई पुण्य भी हो पारे कर्मर एक ज्ञान द्वारा ही मनुष्य तार कर्म अकर्म एवं कुकर्म को जानी पारे कर्म अकर्म कुकर्म
एसबु कौन हे अर्जुन मनुष्य जेतेबेले निष्काम भावनारे कर्म करिथाय ताकु से कर्मर फल भोगिबाकु हेइ नथाय सेथिपई ताहा अकर्म हे जाय कर्म तो ताकु ही कुहा जाय जहां सकाम भावरे फलर इच्छा रे करा जायथाय तार फल कर्म अनुसार अवश्य मिलिथाय भल कर्मर भल आउ मंद कर्मर मंद आउ कुकर्म असत्य कपट हिंसा आदि अनुचित एवं निषेध कर्म कुकर्म अटे यार अर्थ हूँ केशव जे युद्ध करने कुकर्म कारण हिंसा रही हे पार्थ तमे एबे भी अज्ञान अंधकार रे भ्रमण करुच सेथिपाई एमती कथा कहुच मु तो एबे तुमको कहली जे कर्म जे भावनारे करा जाए सेथिरु ही तर पापपुण्य विचार करा जाए युद्ध को जदि निजर धर्म विचार करी अधर्मर अन्यायर नाश करिबा निमन्ते ही करा जाए तेबे से युद्धरे मृत्युवरण कले भी प्राणी को स्वर्ग प्राप्त हेथाय सेथिपाई तुमे समस्त शंका और आशंका को त्याग कर आउ युद्ध कर हे अर्जुन जेतेबेले तुमे ज्ञान प्राप्त हब तुमे जानी पारिबो जे ये संसार मोरी ही माया ये संसार मोरी ठारु ही उत्पन्न हेछि मु ही ये संसार रो प्रतिपालक सारा संसार रो संहारक ये समग्र सृष्टि ही मोरी मायार खेल केशव ए माया संसार रूप केमिति हे अर्जुन जदि तमे तम निजर ज्ञान चक्षुरे देखिब तेबे अवश्य जानि पारिब जे मायार संसार एक ओलट वृक्ष सदृश जहार चेर उपरे आउ डाळ एवं पत्र तळ अडकु रहिछि निजर अंतर्चक्षु द्वारा ताकु तमे देख अर्जुन केशव मु ए संसार वृक्ष को देखि पारुछि जहार चेर उपर को अछि आ ताहा तम ठारु बाहरिछि हा अर्जुन जेमिति मु कहिले जे मायार संसार मोर ठारु उत्पन्न हेछि सेथि पई यार मूल मो ठारु हि अछि आ मायार स्थान जेहेतु मोठु तळे अछि सेथि पई ए वृक्ष ओलट रहिछि ऊर्ध मूलम अध शाखम असत्थम प्राहुरप्यम छन्ना सिंह जस्य पर्णानि जस्तं वेद स वेदवित हे केशव ए संसार वृक्ष रे ब्रह्मंकर स्थान को उठे हे अर्जुन ए संसार को विस्तार कराइथिबा हेतु ब्रह्मा हेउछन्ति ए वृक्षर मुख्य शाखा आउ वेद यहार पत्र सदृश हे पार्थ शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध ए पांचोटी वृक्षर शाखार बकल रूप से रही हे पार्थ ए मायार वृक्ष को सत्व रज एवं तम तीनोटी गुणर जल रे सेचन करा जाए
आसक्तिरे जर्जरित मनुष्य एई वृक्षर डाळरे बंदी ही रहिथाय। पार्थ, ए वृक्ष अनादि अनंत अटे। ए वृक्ष संसारर मायार प्रतीक। अर्जुन ए संसार को पिपलर वृक्ष जान, जे वृक्षर ऊपर भागरे रही मूल। ब्रह्मांकर वेद शास्त्र ए वृक्षर पत्र जेते, आदि मध्य अंतहीन दर्घ्य जेते प्रस्त सेते। शब्द स्पर्श गंध रूप रस खोण पाजहार, सत्व रज तम जल रे संचित जार। शरीर घड़ी घड़ी बदलई गुण ग्राम, ए वृक्षर वैराग्यर कुढ़ाड़ी रे न कटे हा शरीर। मधुसूदन, जदि ये वृक्ष सृष्टि हुए तेबे एहार विशाल छाय तो चतुर्दिगु प्रसारित होइतिबो, आ मनुष्य से वृक्ष छायरु केमिति वंचित होइ रहि परिबो। हे अर्जुन, एकथा ठीक जे ये वृक्ष विशाल, किंतु ये वृक्षर विधाता तो ताठु भी विशाल। हे अर्जुन, जेतेबेले तमे ज्ञान एवं वैराग्यर तरबारी रे ए संसार वृक्ष को काटी दबो, जेतेबेले तुमको सेई परमात्मांक दर्शन मिलिब जिए सर्वव्यापी, प्रत्येक स्थान रे आविर्भूत, समस्तंक ठारे व्याप्त। तेणु हे पार्थ, तमे मोरे शरणापन्न हो। संजय, कृष्ण मुहुरु एक कथा शुणी के जानी कहे कि मो मन भय रे व्याकुल होई उठुची। या पूर्वर मते केबे भी मृत्यु को भय लागी नथिला, किंतु आज मोर मृत्यु प्रति भय सृष्टि हेउची। मो निजर नुह, मो स्वजनक मृत्यु रो भय। महाराज, ये तो बड़ विचित्र कथा। द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण तो अर्जुन एवं समस्त मनुष्य मनरु निजर एवं स्वजन मृत्युर भय दूर करने उद्देश्य उपदेश दे। तेरे मो मन भय कहीं प्रकंपित हो, गोटाए उपदेश विपरीत प्रभाव कहीं पड़ू। अर्जुन मन शांत हो जा, मो मन अशांत हो उठु। महाराज, केउ कथार केउ व्यक्ति उपरे की प्रभाव पड़ब, यार आधार तो सेई व्यक्तिर मनर भावना उपरे निर्भर करिथाय। जदि मन तले किछि भय मुह माडी सोइथाय, ताहेले सत्य आ निष्ठुर कथा को सुनी से एमिति फणा टेकिथाय जेमिति साप बाड़ी को देखिले। किंतु आपण काहे कि व्याकुल होचंती, प्रत्येकंकर मृत्युर कौनसी ना कौनसी मुहूर्त तो निश्चित होइ सारिछि। हां संजय, एहा तो सत्य, किंतु मोर व्याकुलतार कारण हेउची जे मो पुत्र माने आउ मो जोगु ए युद्ध रे मृत्युर शिकार हेइ जिबेनि। त सेते बेले मु कहुथिली जे प्रारब्ध रे जहा लेखा हेइची सेया हेब, मो हातरे किछि हेले नाही। आउ एबे लागुची सेते बेले मु ए कथा कहि नथिली, नियति ही मो मुहरे कुहाई थिला। संजय,
एबे मो हातरे किछि आउ नाही किछि आउ नाही सबु किछि कृष्णर हातरे सबु किछि हे मधुसूदन तमे कहुछ जे सर्वव्यापी परमात्मांक शरणापन्न हुअ किंतु से परमात्मांक स्वरूप केमिति तमे मते से स्वरूप कह जहाँ पूजा करी हबो कहीं ना संसार रे भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न देवता पूजा करी थांती से सबु कौन पाप ना अर्जुन पूजा केबे पाप ही न थाए आउ जो प्राणी भिन्न भिन्न देवता पूजा करी थाए से भी वास्तव में मोर ही पूजा करी थाए कहीं ना ए विश्वर कोण अनुकोणे मु ही उपस्थित ज्ञानी जन निजर ज्ञानर चक्षुरे मते प्रति जगार प्रति प्राणी मध्यरे देखिपारि थांती जने विद्वान ब्राह्मण भितरे जेमिति मु अछि सेमिति जने चांडाल भितरे भी मु अछि गाई भितरे मु कुकुर भितरे भी मु हाथी भितरे मु गोटे पिंपुड़ी भितरे भी मु विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गोपी हस्तिनी सोनिच्च विश्वपाकेच पंडिताः समदर्शिन जलचर स्थलचर नौचर हे सृष्टि राजेते प्राणी जगत भितरे कर्ता अटे मुहि सभीक भितरे मोर प्रकाश स्थावर जंगम जड़ चेतन स्थावर जंगम जड़ चेतन सभीक भितरे प्रकाश मोर असुरे पक्षी रे नर रे नारी रे जोगी ऋषिंकर ठारे मो घर असुरे पक्षी रे नर रे नारी रे जोगी ऋषिंकर ठारे मो घर हे पार्थ सेथिपाई निज निजर श्रद्धा अनुसार प्राणी जेऊ जेऊ रूप रे भी मोर पूजा करी थाए से मोर ही पूजा करी थाए सेथिपाई जेउ जेउ सकाम पुरुष जेउ जेउ देवतांक स्वरूप को श्रद्धारे पूजिबा को चाहंती मु सेई भक्तंकर सेई देवतांक प्रति श्रद्धा को स्थिर करि देथाए जो जो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार्चितमेच्छति तस्य तस्यां चर्यं श्रद्धां तामेव विदधन्यहम् एभली भावे अनेक अनेक थर जन्म नेबा परे जेतेबेले तारे ज्ञान आसी जाए जे ये समग्र सृष्टि रे केवल मु वासुदेव व्यतीत आउ किछि भी नाही ताहले सेमिति ज्ञानी महात्मा अंततः मते ही प्राप्त होई थाए किंतु हे अर्जुन एमिति महात्मा निहाते दुर्लभ किंतु हे केशव प्राणी तमकु छाड़ी भिन्न भिन्न देवतांकर पूजा काहेकि करि थांती हे अर्जुन मु तुमको आगरु कहि रखिछि जे त्रिगुणात्मक सृष्टि रे प्राणींकर कर्म तांकर वृत्ति तांकर श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक हि थाए सेथिपाई निज निजर श्रद्धा अनुसार सत्व गुणधारी देवतांकु पूजि थांती रजकोणधारी जक्ष नागगंधर्व को पूजा करी थांती
आउ तमगुण विशिष्ट व्यक्ति भूत प्रेत को पूजा करिथांती। जजन्ते सात्विक देवान् जक्ष रक्षन्ति राजसः प्रेतान भूत गणंश्चान्ये जजन्ते तामसा जनः। हे अर्जुन, देवतांको पूजा करुथिबा व्यक्ति देवत्व प्राप्त हुवन्ति, आ मृत्यु हेबा परे निजर कर्म अनुसारे किछि काल जाए स्वर्गलोकरे निवास करन्ति। पुरुषंकु जे पूजा करन्ते पितृलोक प्राप्त हुवन्ते, आ पितृलोक को जानते। आ भूत प्रेतंकु पूजुथिबा लोक भूत ही प्राप्त हेथांते। आउ पर जन्मरे तांको भूत प्रेतंक जोनि ही मिली थाए। पितृपुरुषंकु पूजिले मिलन्ति पितृलोक शुणि थान्ति डाक जन्मर प्रारब्ध फेरिबाकु हुए ए मर्त्यलोक जोनी रु जोनी केते जोनी परे जे फेरिबाकु हुए ए मर्त्यलोक। हे केशव, तमर कहिबा अनुसारे मनुष्य अज्ञान अंधकार रे निज अहंकार रो हात धरी घुरी बुलु थाए, आउ सेथि पई समर्पण करि परि न थाए, अर्थात अज्ञता समर्पणर पथरे प्राचीर ही ठिया ही थाए। ताले अज्ञानर अंधकार को दूर करबा को आ ज्ञान प्राप्त हवार उपाय कौन कह? श्रद्धा। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करबा पई मूल साधन केवल श्रद्धा। श्रद्धार बीजरु ही विश्वासर अंकुरोत्कम हुए। आउ चारि पटरु शाखा प्रशाखा ही बाहरे, आउ से गछरे पुणि ज्ञानर फूल फुटि थाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संजतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तः अतिरेण अधिगच्छति। हे भोलानाथ, भगवान श्रीकृष्ण भक्तिर सम्बन्धरे श्रद्धा को अधिक महत्व कहिके दउचंती? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति केमिति हेइ परिबो?
श्रद्धा तो भक्तिर बीज, मनुष्य निमन्ते श्रद्धा से दिव्य नेत्र जहाद्वारा जड़े अंध मनुष्य भी भगवान स्वरूप को दर्शन करिपार। ये तो से श्रद्धा जहाँ मनुष्य को पथर मूर्ति रे भी भगवान रूप दृश्य कराई थाए। जेमिति मोर श्रद्धालु भक्त को शिवलिंग ही मोर स्वरूप देखा जाए थाए। किंतु जने नास्तिक को से लिंग एक पथर खंड भले दृश्य होता देवी श्रद्धा जदि न थाए तबे भगवान स्वयं सम्मुख रहले भी से श्रद्धाहीन नास्तिक को भगवान नुहे अन्य किछ बेले दृश्य हे। तेणु जदि श्रद्धा नहीं तो भक्ति नहीं। श्रद्धा से सीधा सरल रास्ता अटे जहाँ मनुष्य को प्रेम आउ शांति दिगरे नहीं जाए। एथिपाई जे श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान हो जाए थाए। आउ जेउ मनरे निष्ठा न थाए से मन संशय आउ संदेहर घेरें एमिति पथभ्रष्ट हो जाए जे ना ताकु ए लोकरे सुखर मार्ग मिली थाए आउ ना ताकु परलोकरे शांति प्राप्त हो थाए। श्रद्धा न थिले विनय विनम्रता न निए जन्म श्रद्धा बिना प्राणी अहंकार जे जळु थाई। श्रद्धार गर्भरु तनी आई जन्म विश्वास विश्वास ही पारि थाए तर्क जाल छिड़ाई। श्रद्धारु निष्ठा पुणी निष्ठारु एक निष्ठ न होइले सिद्धि जे न मिलाई। श्रद्धा बिना प्रेम नाही भक्ति नाही प्रेम बिना ए श्रद्धा देई थाए इष्ट प्राप्ति सफलता। संजय तुम मुहरु श्रीकृष्णंकर उपदेश शुणी शुणी मो मनरु शांति दूरेई जाउची। केते विचित्र कथा ही जदि आपणक मन अशांत हो उठुची ताले एथिरे विचित्र कौन अछि। संजय श्रीकृष्णंकर उपदेशर मुख्य उद्देश्य अर्जुनर अशांत मन को शांति प्रदान करिबा, किंतु मो उपरे यार विपरीत प्रभाव पड़ुची। मोर शांत मन अशांत हो उठुची। एमिति काहीकि होउची संजय काहीकि होउची। महाराज श्रीकृष्ण ठीक ही कहिछंति जे श्रद्धा न रहिले मनुष्य केबे भी सुखी हो पारिबनि। आपणक मनरे श्रद्धार अभाव रहिछि, एथिपाई आपण श्रीकृष्णक उपदेशर दर्पणरे निजकु निजे देखि दुखी हो पड़ुछंति। हाँ संजय मु दुखित तो हो पड़ुछि, आउ पुणि एमिति लागुछि जे मते आउ सुख शांति केबे भी मिलिबनि केबे भी मिलिबनि। जेउ मनरे श्रद्धा ही नथाए सेठारे आशंका थाए, जेमिति जोउठे आलोक नथाए सेठारे अंधार ही थाए। श्रद्धा न रहिले आस्था भी रही न थाए, तेणु मनुष्य आस्तिक ही रुहे नी नास्तिक ही जाई थाए, आउ से कदापि सुखी ही पारि न थाए। हे अर्जुन संशयर अंधकार को ज्ञानर प्रकाश रे जिए नष्ट करि दे थाए, आउ ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धिर प्रेरणा रे निजे निजको समर्पित करि दे थाए ताको कर्म बांधि पारि न थाए। सेथिपाई हे पार्थ अज्ञानर कारणरु जेउ संशय तुमर हृदय रे उत्पन्न हेउछि
ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ତରବାରୀରେ ଛିନ୍ନ କରି ନିଜର କର୍ମରୂପୀ ଯୁଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ବାହ ପ୍ରଭୁ ବାହ। ବହି ଚାଲିଛି ଏଠି ଗୀତାର ଗଙ୍ଗା, ଭକ୍ତିର ଗଙ୍ଗା, କର୍ମର ଗଙ୍ଗା। ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ସେହି ଗଙ୍ଗାରେ ଡୁବି ଯାଇଛି ସଂସାର ସାରା। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा।